सबसे पहले हम इस चीज को जानते हैं कि एडवांस एक्सेल होता क्या है, क्या कोई एक्सेल की कोई विशेष फीचर है, या एक्सेल एक कुछ विशेष वर्जन है, या एक्सेल के अंदर जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बेसिक और एडवांस में सेग्रीगेट किए गए हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट किसी भी फीचर के बारे में नहीं बोला है कि हाँ पिवट टेबल बेसिक है या एडवांस है या वी लुकअप एडवांस है या वीवी एडवांस है। बेसिक एडवांस हम उसकी यूज के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब किस तरह का यूज, तो चलिए हम आपको दो चीज सिखाते हैं, दो चीज बताते हैं, दो एग्जांपल, एक बेसिक और दूसरे एडवांस पे। जैसे मेरे पास मैंने यहाँ पे 20 लिखा एक सीट पे और यहाँ पे 30 लिखा, 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट कर दिया तो 30 20 से रिप्लेस हो गया, सिंपल। तो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इस पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल के फीचर को इस्तेमाल करते हैं। अब पेस्ट स्पेशल के अंदर में हमारे पास है क्या, ऑपरेशंस। यहाँ पे ऑपरेशन में अगर मैंने ऐड क्लिक कर दिया तब 20 और 30 को रिप्लेस नहीं करेगा, इनके बीच में एडिशन होगा, रिजल्ट 50 यहाँ पेस्ट होगा, या सब्ट्रैक्ट करूँ तो सब्ट्रैक्ट होगा, या मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करूँ तो डिवाइड होगा, राइट। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऐड करके ओके करता। तो आपने सीखा कि पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशंस में दी गई ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल करें, राइट। अब इसी टॉपिक को मैं एडवांस एक्सेल में समझाता हूं। उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी परसेंटेज के बारे में बताना। जैसे मैंने यहां 20% लिखना है तो 20 और परसेंट का सिंबल लेके एंटर मारेंगे तो यहां 20% आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 20 को टाइप कर दूं और फिर सेलेक्ट करके परसेंट पे क्लिक करके करूं तो आपके सामने देखिए 2000% हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्सेल में 1 = 100% होता है, 1 = 100%। इसका मतलब है कि मुझे अगर बाद में परसेंट का सिंबल लगाना है तो 0.20 लिखना होगा, फिर एंटर प्रेस करके फिर परसेंटेज का सिंबल देना। ये तो जान गए कि परसेंटेज का क्या है। अब प्रॉब्लम को समझिए, हमारा एक कलीग था जो मुझे डेटा भेजता था कुछ इस तरह से, मेरे पास इस तरह से डेटा आते थे। अब डेटा क्या होता था, नंबर में होता था, हेडिंग परसेंटेज डाल के भेज देता था। मतलब कि मेरे कलीग के अकॉर्डिंग ए 59% है, बट एक्सेल में 59, मतलब मुझे अगर 500 का 59% अलग करना हो तो मुझे जस्ट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन लेकिन अगर 59 इन द नंबर में डाला है तो मैं जस्ट माइनस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नहीं ला सकता, मुझे अपने फॉर्मूले को चेंज करना हो तब जाके रिजल्ट आए। अब यही प्रॉब्लम हो गई कि मैं अपना फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे जगहों से इनपुट्स आते हैं। सो मुझे अपनी जो डेटा है इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मेरे पास दो रास्ते हैं, पहला कि मैं 59% एक एक सेल पे जाके इस तरह से परसेंट करता रहा, बट ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी आपके सामने एक छोटा सा डेटा दिख रहा है, लेकिन मेरे पास ऐसे हजारों लाखों तरह के डेटा आते हैं। अगर मैंने उसको करना शुरू किया तो पॉसिबल ही नहीं है, कई महीने कई हफ्ते लग सकते हैं। सो अब दूसरा तरीका हुआ कि इसको कैसे कन्वर्ट करें, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट। अब यहां पे मैं इस्तेमाल करूंगा सीट वन में दी गई एग्जाम्पल पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशंस। मैंने क्या किया, एक सेल पे 100 टाइप किया, इस 100 को कॉपी किया, पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहां हमने कर दिया डिवाइड। डिवाइड करके जैसे ओके किया सारा नंबर डेसिमल में, अब मैं आसानी से परसेंटेज लगा सकता। अब अदिति मैम बस यहां पे देखिए कि सेम टॉपिक मैंने आपको यहां समझाया, तो एक जो ट्रेनर है किसी ट्रेनिंग सेंटर का, बहुत बड़े बड़े जो एफटेक वगैरह ट्रेनिंग सेंटर होते हो, वो आपको यही बता सकते हैं
कि किसी ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करें, लेकिन उसके उससे रिलेटेड रियल लाइफ किस तरह की प्रॉब्लम आएगी और उसको हम कैसे फेस करेंगे वो आपको एक वर्किंग प्रोफेशनल ही बता सकता है, मुझ जैसा वर्किंग प्रोफेशनल जिसको इस जिसने इस प्रॉब्लम को अपने ऑफिशियल लाइफ में फेस किया है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जब आपको मिलेंगे तो आप उसको अपने अपने एक्सेल को अपने काम में अच्छे तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। बाकी डिग्री की तरह नहीं जो बड़े से सर्टिफिकेट मिल गए एग्जाम देने के बाद और पता चला कि आपने सीखा था वो तो आधी ज्यादा भूल चुके हो और जो भी याद है वो आपके कुछ काम का नहीं। ठीक है मैम, जी सर, तो हम कोर्स की बात कर लेते हैं। मेरे पास बेसिकली जो कोर्स है वो है पहला एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, जो कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला ये आपको रिपोर्ट ऑटोमेशन विद फॉर्मूला या एमआईएस रिपोर्टिंग विद एक्सेल इस तरह की चीजों के लिए यूज की जाती है। इसमें वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग नहीं आता है, पहले जान लीजिए। इसमें आएगा एक्सेल के सारे इनबिल्ट फीचर, मोर देन 300 फॉर्मूला, फॉर्मूला नेस्टिंग, एडवांस फॉर्मूला, डैशबोर्ड डिजाइनिंग, डैशबोर्ड क्रिएशंस वगैरह ये आपको सिखाई जाएगी। बट आफ्टर द क्लास आप जो है इस तरह के रिपोर्ट्स, इस तरह के समरी और इस तरह के डेटा एनालिटिक्स करने में एलिजिबल हो जाएंगे और इजिली कर लेंगे। इसके लिए कोई आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देख पा रहे, कुछ दिन मैंने कुछ दिन पहले ही इसको बताया है। ओके, तो आप अब जैसे कि कुछ लोगों को बोलते हैं सर बेसिक में प्रॉब्लम है, तो मैं हर एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस सिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने इस टॉपिक को सिखाया, पहले हमने इसकी बेसिक कंसेप्ट बताई, फिर इसको मैंने एडवांस कंसेप्ट समझाया। तो हर एक टॉपिक को हम दो पहलुओं में बताएंगे, बेसिक टू एडवांस। मंडे टू फ्राइडे आपकी जो क्लासेज होगी वो 45 मिनट की। आप बोलते हैं सर 45 मिनट कुछ कम नहीं है, लेकिन 45 मिनट मैं जस्ट आपको पढ़ाऊंगा। अभी देखिए 10 मिनट में आपको कितनी चीजें बता दी, तो सोचिए 45 मिनट में कितनी ज्यादा चीजें हो जाएगी। तो जो चीजें मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि उसको आप प्रैक्टिस करें अपने घर पे, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको यूटिलाइज करें अपने ऑफिस में। तो आप उतना ही सीखे जितना आप जॉब कर पाए, क्योंकि मेरे जैसे मेरे पास सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं, मेरे पास फ्रेशर बहुत ही कम आता है, मतलब कि 1-2%। तो उनके पास होती है टाइम की कमी, क्योंकि उनको 10 से 12 घंटे ऑफिस को देने पड़ते हैं, उसके बाद उनकी अपनी फैमिली होती है। तो इसलिए मैं उनको 45 मिनट ट्रेनिंग पर डे देता हूँ। तो ऐसा 45 मिनट पर डे लेते हैं तो आपका ड्यूरेशन हो जाता है अराउंड 2 मंथ, मतलब 1.5 से 2 महीने, मतलब कि जो कोर्स है ये आपके 45 आवर्स की है। अब जरूरी नहीं 45 आवर्स, ये 35 आवर्स भी हो सकती है या आपका 55 आवर्स हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी ऑब्जर्वेशन पे, आपकी प्रैक्टिस पे, आपके पूछे गए क्वेश्चंस पे।